बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का एक बर्निंग इशू जो है उसको टच देने जा रहा हूँ, स्पोर्ट्स फिटनेस। स्पोर्ट्स फिटनेस को स्किल के साथ लिंक करूँगा। अगर एक खिलाड़ी को हम स्किल सिखाते हैं, हॉकी खेलना सिखा रहे हैं, फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं, बैडमिंटन खेलना सिखा रहे हैं, और वो उसको सिखा लेते हैं, तो इसके लिए एक सादा सी मिसाल दूंगा कि अगर हम इसी तरह किसी को साइकिल चलाना सिखाते हैं और साइकिल कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं लगता साइकिल चलाने की, जैसे वो साइकिल चलाना जान लेता है खिलाड़ी, तो उसके बाद उसको मज़ीद स्किल ऐड नहीं उसमें हो सकता। उसको साइकिल चलाने के जो भी उसके बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो जब उसको हमने उसने जाना है कहीं 500 किलोमीटर की उसकी रेस है, 1000 किलोमीटर की रेस है, तो उसके लिए सिर्फ फिटनेस इम्प्रूव करनी है। स्किल में और कुछ नहीं घोला जा सकता, उसमें स्किल में मज़ीद एडिशन करते जाएँ डेली बेसिस पे। तो उसके टैक्टिक्स होंगे अपने अलग से होंगे, लेकिन फिटनेस उसके बाद का अगला अमर, अगली ज़रूरत, अगली बहस, अगली ज़िद जो है वो फिटनेस होती है। इसी तरह हॉकी प्लेयर बहुत अच्छा डाज कर रहा है, लेकिन अगर वो 60 मिनट तक वो काम कार्रवाई नहीं कर पा रहा, अपना वो एक्टिविटी नहीं दोहरा पा रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी स्किल में कोई प्रॉब्लम है। अगर वो 2 या 4 दफ़ा ये काम स्किलफुली कर लेता है, इसी तरह फुटबॉल में है, बैडमिंटन में, अगर वो स्किलफुली पहले ठीक खेल रहा है और उसके बाद लैग करना शुरू हो गया, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि उसके फिटनेस के इश्यूज हैं, फिटनेस में मसला है। होते हैं प्रॉब्लम और भी, लेकिन बड़ा मेजर मसला जो 90% ऑलमोस्ट है वो है फिटनेस का। उसके बाद मेंटल फिटनेस आ जाती है, चोकिंग हो जाती है खिलाड़ी को, और जिसको हम प्रेशर कहते हैं, तो इस तरह के मामलात होते हैं खिलाड़ी के साथ। लेकिन ये अब आपने सोचना है कि उस स्किल को सपोर्ट करने वाले, उस खेल से मुतल्लिका कौन सी बायोमोटर एबिलिटीज़ हैं, या कौन से फिटनेस कंपोनेंट्स हैं जिसको कोच ने बेहतर करना है। अलामा इकबाल का एक शेर है जो हम तोकल करते हैं ना कि अल्लाह खैर करेगा, तो उस पर है कि तोकल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर खंजर की उस तेज़ी को मुकद्दर के हवाले कर। बहुत बहुत शुक्रिया।